हेलो गाइस, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में क्या बोलते हैं, कौन से किट से तुम्हें लड़ना चाहिए अगर तुम चाहते हो प्लेयर से लड़ना। दिस किट मतलब ये है इजी किट, इसमें आप देख सकते हो क्या क्या लेना है। मैं भी आपको पीवीपी करके भी दिखाऊंगा। मैं इसको अच्छे से नहीं रखा हूँ, आप अच्छे से रख लेना, प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि और फर्स्ट में हमेशा ये सब रखना, ये सारे सामान। मतलब मैं तुमको दिखाता हूँ पोशन पहले मार रहा है, तुम नीचे करके भी मार सकते हो ऊपर। ओके पीवीपी वाला हूँ तो मुझे पता है तुम वाला बहुत कम ना। तो मैं कह सकता हूँ बकेट रख लेना, मैं रखना भूल गया था। मैं तुम्हें मैं क्यूब क्राफ्ट में भी पीवीपी करने वापस जाऊँगा, मतलब तो वीडियो अभी आई नहीं है पर आएगी जल्दी। चलो मान लो हमारा तुम्हें आई देखा, और मैं एक चीज रखना भूल गया हूँ, उसको जल्दी रखना पड़ेगा। मान लो आप बहुत कम हेल्थ में हो, चालू ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना हमेशा ऊपर करने के लिए। तुम्हें कोई सेटिंग्स नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ सीखना होगा। और मैं देखो तुम्हारे पास वाटर नहीं है, तुम्हें जाना वही वाले वाटर और वाटर ले लेना। सबसे अच्छा तरीका लक का और फायर एक्सपेक्ट और सबसे अच्छा आर्मर में थॉर्न्स हमेशा रहना चाहिए। मेरा आर्मर अभी मैं डायमंड कर लिया, तुम क्रॉसबो भी कर सकते हो। ये फर्स्ट किट है मेरी, मतलब जिससे तुम तो मतलब तुम पीवीपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छी देख रहा मान लो लेजर है वो बहुत कम है इसमें ऊपर वाटर दूर हटो। अगर वो कम क्या रहते हैं मान लो देखो जैसे वो थोड़ा है तो मेरे जो सामने कोई तुम ही लोग बताते होंगे लेकिन भाग गया। तुम्हें बस ऐसे करना है कैसी ऐसे तुम्हारी शॉट टूट गई है, शॉट तो से हेड शॉट और फिर वापस ऐसे जाओ तो वो तो लेट भी आ सकते हो। और मान लो बहुत डिस्टेंस में है बंदा और तुम्हारे पास शॉट नहीं है रिप्टाइल वाला तरीका, तो मैं लगा कैसे करूँ बस उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगा। मान लो मैं इतना दूर वो है पता नहीं कौन सी मेरा ऐसे करो तो सिंपल है। मान लो वो तो दूर है ना तो मैं इधर बहुत जैसे वो थोड़ा ऐसे तो मैं कभी नहीं जाना, तुम्हें एकदम सीधा निकलना वो जहाँ पे तुम्हारे जिसको तुमको मारना एकदम ऊपर मेन करो। तुम ज़्यादा दूर तक जाओगे, वो बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तब एक ट्राई बहुत
ज़्यादा ही दूर है भाई, भाई मैं से नहीं हो पाएगा बहुत। हमारे लिए तुम्हारा एनिमी है, हाँ तुम्हारे पीछे फंसा, हाँ मान लो तुम खुद भी फंस गए। तुम्हें अंडा पल कैसे करना है, कम हार्ट हो या ज़्यादा हार्ट हो, एक अंडा ला कर खाना है, मारना फिर जाना दौड़ना और कूद कूद के मारना जैसे वो स्लाइम। और तुम्हें बहुत दूर जाना है ना, तुम बहुत कम हार्ट में, बहुत कम हार्ट में तुम, और तुम मरने वाली कगार में सबसे ही। तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा पानी का बॉटल ली है, देखा मैंने कैसे किया, वापस करके दिखाता हूँ। तुम कम हार्ट हो, तुम जानना चाहते हो बहुत दूर, एक एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं डबल करो। नाउ यू कैन सी, एक और तरीका वापस एक कट पे फॉलो कर देता हूँ ऐसे, टेलेना ने तो देखे, ये मैं हमेशा अपने पीवीपी की मिले में करता हूँ ऐसे, जाओ ऐसे। ओ भाई मैं तुम्हें बेचारा ठीक करके सकते हैं, तेरे तो सारे भाई बहन ने वॉट भाई, पर थोड़ा तुम एंडर पल यूज़ करना, कॉबर बहुत दिखाता हूँ तुम लोग को। अरे वो तो मेरा मौसम नहीं हो गया, क्या देख रहे वो मेहनत लगती है, पर एंडर पल में ऐसे कुछ सीन नहीं है। एंडर पल में तुमको दिखाता हूँ, 1 2 3 ओ मेरे छोटे, मैं तुमको दिखाता हूँ ऐसा वॉटर गुंडा पर खा लेता, पहले से ऐसे जाना है अंडे को पहले से कर दो, तो बोला तो वाटर में हो गया, कोई नहीं तुम लोग को वापस से दिखाता हूँ। टहना नहीं, एक हाथ अगर तुम हाफ हाथ में हो ना तो तुमको, तो मैं हाफ हाथ में अपने आप को लाता हूँ, इसको हटाओ और मैं हटाता हूँ, मतलब बहुत कम हाथ में, इतना ही हाथ में मैं ये क्या कर रहा हूँ। ओ हरिया पली खत्म हो गई मेरे पास पहले से, मैं मार के दिखाता हूँ, ये देखो मेरे को रीजनरेशन लगा ना इसलिए हो रहा है। मान लो तुम हो हाफ हाथ में, अभी के लिए मान लो मैं हाफ हाथ में, क्या ना मैं कॉबर यूज करता हूँ, ये देखो मेरे लिए कॉबर सबसे बेहतर है, कॉबर पे क्योंकि मैंने थोड़ा मास्टर कर लिया, तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं कर पाता। पर एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा ना स्लाइम टाइप काम करता है, पर छोड़े तुम्हें बस कॉब वेब को ही देखना है, देखे तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज फील होने वाला है अगर तुम कॉब वेब कर रहे हो, इसलिए मैं तो बोलता हूँ हमेशा ऐसे करो एंगल पर। जब वाटर में हो गया था ऐसे ऐसे ना, हम सब का टेक्निक जिसको मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ऑफकोर्स। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ दूसरा किट, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग किट होगा, ये वाले के मुकाबले थोड़ा अच्छा होगा और थोड़ा तुम्हें पसंद भी आ सकता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट किट है, इसके अंदर क्या है, 1 2 3 इसको खुलता क्यों नहीं, हाँ ये है हमारा बेसिक एक सुंदर सा किट। पहला इसमें आएगा आर्मर,
इंचांट पर देख ले पर्सनल फेवरेट किट है ठीक। तो मैं सामने में फ्रंट में क्या रख रहा हूँ वो बता रहा हूँ अभी। हर एक पोर्शन टोटम हमें एकदम ऊपर साइड पे रखना है ऐसे भाई हो गया। मैं इस पर जमा के रखने वाला हूँ, पिछली बार मैंने कैसे रखा था तुम लोग को भी पता है मुझे भी पता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। कुल्ला लपा ली था वाटर हम यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे इसको यहाँ ये एल शेप मेरा फेवरेट। और हम इसमें पिकेट विकेट्स काम नहीं कर रहा, ये देखो मैं नो पैक लगाना भूल गया। हम दिखाता हूँ एक पीवीपी मतलब ये तो ऐसा कर सकते वन वर्सेस वन। ये ज़्यादातर किट ये वाला वो यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं लिविंग लेजेंड बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्योंकि मैंने उनके फर्स्ट क्या बोलते हैं किट वर्स में देखा था। उनकी एक सीरीज थी पहले द किट वर्स लिविंग लेजेंड और टेक्नो नहीं टेक्नो ब्लेड की थी, जिसमें वो बताते थे कि आपको कौन कौन से आर्मर यूज़ करना चाहिए अराउंड द पीवीपी, क्योंकि वो सबसे बड़े पीवीपी थे उस समय। ये देखो काउ वन हिट ये देखना बट क्योंकि इसमें देखो एफिशिएंसी मतलब शार्पनेस 5 और तुम शार्पनेस 4 भी लगवा सकते हो। मैं तो अभी लड़के दिखाता हूँ बहुत तगड़ी किट है भाई तुम लोग देखोगे मज़ा आ जाएगा। मेरे को बस एक चीज़ का डर है चलिए खाते हैं गोल्डन एप्पल। पहले तो मैं भागता हूँ क्योंकि मैं ये तीन जगह खाली हुआ। ओ भाई मतलब वो इतना दूर है ठीक दूर है ना। अबे मैं इसको कह फेंक दिया हाँ। और थॉर्न सबसे इम्पोर्टेंट पकड़ा नहीं था ना इसलिए की तो बरसात हो गई। ये देखो एक्सपी मैं तो बोलता हूँ कि तुम्हें देखना चाहिए बहुत मिस होता है। अगर तुम रिप्टाइल ऐड करना चाहते हो तो रिप्टाइल ऐड कर सकते हो। अगर तुम वो ऐड करना चाहते हो क्या बोलते हैं पता नहीं मेरा निशान इतना गंदा क्यों
अगर तुम इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, रिप्स इसमें ऐड हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो जाएगा ये, तुम देख सकते हो। और मैं बता दूँ इसमें तुम वाटर बकेट प्लीज रखना, क्योंकि दूसरे के शॉट में रहेगा फायर एक्सपर्ट। अगर आप दो लोग लड़ रहे हो इसी किट में तो आपको पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, वाटर का यूज आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वाटर भी रखना है। जैसे वो मैं कमा रही थी वाटर कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, गलती से ये तो नहीं होता, हमेशा मैं ये गड़बड़ी करता हूँ, क्योंकि मोबाइल में डबल टैप का ज़्यादा है ना इसी में, क्योंकि वो दिखाता हूँ मैं कैसे बोल रहा हूँ तुम लोग को। ये देखो मान लो तुम्हें फायर एक्सपर्ट, एक ही टैप होता है ना फोन में, डबल टैप होता हो सकता था एक तो। ये देखो ये था, ये दो केक तुम रख सकते हो। और हाँ तुम बताओ तुम्हें कौन सा किट पसंद है। मैं तो पर्सनली जब भी पीवीपी ज़्यादातर करता हूँ मैं फर्स्ट किट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें रिप्टाइल और ये सब था। सेकंड किट जब ओवर पावर पीवीपी करना रहता है तब मैं इस यूज़ करता हूँ। और हाँ मेक श्योर तुम लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो ये वीडियो को, मिलता हूँ बाद में चैट। और हाँ सॉरी अब मैं अब से रेगुलरली वीडियो डालूँगा। असल में होता क्या है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जगह नहीं मिलती, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मान लो कि मेरे को वो नहीं बनता, मैं चाहता हूँ कि मैं शांति वाली जगह में बैठ कर मस्त अपनी वीडियो बनाऊँ। हमेशा वहाँ पता नहीं कोई ना कोई आ ही जाता है, क्योंकि आए मैं जॉइंट फैमिली का ज़्यादा अच्छे डिवाइस भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी थर्ड हैंड मतलब मेरे पापा के पास मिला था, फिर मेरी मम्मी के पास गया, उसके बाद मुझे मिला, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लाइक और सब्सक्राइब और हाँ एक और प्रैक्टिस वाली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ये चीज़ मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, एडवेंचर में नहीं जाना था, मुझे जाना था क्रिएटिव में। यहाँ देखो कुछ प्लेयर्स का बहुत घटिया निशान होता है, मैं कैसे समझाऊँ आप लोग को, इसको सुधारने का एक टेक्निक है मेरे पास, एक दो ओके चार बड़ा हो गया, ऐसा बनाना है, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ जैसे आसानी हो, मैं बोलता हूँ ये ऐसा रखते हैं, ये तो मैं आना सर्वाइवल में। तुम इसकी ये घटिया चीज के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं तो इसी को करता हूँ। तुम आर्मर स्टैंड यूज़ कर सकते हो, दिखाता हूँ तुम्हें क्या करने के लिए बोल रहा हूँ। पॉइंट को बढ़ा लो बिना सॉल्ट में लिया, आपको कुछ नहीं करना, बस अपना एक यहाँ पर खाली रखना और प्रैक्टिस करना पॉइंट का। एक बार में टूट गया ऐसी, आर्मर स्टैंड जल्दी टूट जाता है ना, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता। इधर आर्मर स्टैंड के अंदर भी फीलिंग्स है, और हम एक पब्लिक के बारे में भी बताता हूँ, मैं तो बहुत कम बार ही इसको यूज़ करता हूँ, तुम चाहते तो कर सकते हो, डुप्लीकेट नहीं मेरा पर मैं कहता, तो मैं करने के लिए बोलता ब्लॉक, तुम ऐसे करो
मारने की कुछ नहीं कर, तो पकड़। मैं अपना आर्मर उतारता हूँ, इस चार्जर को खोलता हूँ, मस्त सब तैयार हो सा आर्मर। मैं इसको हाथों में मारना चाहता हूँ, मुझे नहीं मारता। तो मेरा आर्मर में एक प्रॉब्लम है, इसको कौन चला? मेरा वाटर बकेट। मैं एक्सेप्ट ट्राई करूँ या फिर मैं ट्राई करूँगा हाथ। ब्लॉक्स, कोई भी ब्लॉक लगाओ, ऐसे ऐसे कंटिन्यू का मार करो। देखो कुछ प्लेयर होते हैं जो यूट्यूबर्स को देखते हैं कूद कूद के ऐसा मारते रहते हैं, बस कि तुम चाहो तो ऐसे ऐसे कूद कूद के करते हैं। ये एक ऐसा ही तरीका है जो इसमें मास्टर करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि तुम्हें कब जंप करना है, कब मारना है, कब खाना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, बहुत सारी टेक्निक है। पहली टेक्निक है हमारी जंप वाली है, बस इसमें ये है कि आपको आगे पीछे करते रहना। दूसरा तो मेरा भी फेवरेट है, टीम भी है यूज करता है, तो वीडियो में देख सकते हैं। सामने मारो, पीछे मारो, सामने उसको कंफ्यूज करना, मतलब और पीछे देखो, सामने मारो, पीछे जाओ, ओ सारे उसको छोड़ने दो, वो पीछे देखने से सामने जाओ, सामने ऐसे ऐसे करके उसको कंफ्यूज करके मारते हैं। और दूसरा है हम सब का प्यारा, ये सर बगल उसमें क्या बोलते हैं, ये तरीका। इस पर तुम्हें को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पीवीपी में लगने वाला कॉकवेब, इसको बोलते हैं कॉकवेब मास्टर एस। उसमें क्या करना है मैं तो बताता हूँ, पहले मैं देख लूँ। ऐसा वाला चिन्नी पिन्नी मेरे को मार रहे, ऐसे फंसाना है उन लोग को, ऐसे फंसे कूद कूद के पेल दो। अगर तुम सबसे बेस्ट बट नॉट लीस्ट जो भी कॉम्पेयर करिए सैम्पा, इसको कभी मतलब इसको सब लोग इसको जानते नहीं कि एक टेक्निक है। मैं तुमको बताता हूँ क्या टेक्निक है, उसमें तुमको क्या करना रहता है, बहुत सारे कॉम्पेयर प्लेस कर दो। देखो जैसे मैं किया हूँ ना, वो तुम्हारा प्लेयर मान लो वो नहीं, मैं इसको फंसा नहीं, इसको ऐसे फंसाना है। हाँ तुम्हें खुद ही उसके आगे जाना और कभी मैं उसके ना नीचे में मत तो मैं मारना साल इधर आ। और मान लो अब तुम्हारे पीछे और प्लेयर्स पड़ गए हैं और साथ ही साथ वो भी आ चुके हैं, क्या बोलते हैं और भी प्लेयर्स आ गए, तुम बचना चाहते हो, एक तो ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, देख लो उन लोगों को लगे मैं उस तरफ नहीं बोलना ना। ये टेक्निक मेरी है, ऐसे ऐसे ना कवर करके वो निकल लो, पता करके सुन तो पास जाओ कि हाँ कि मेरा हील हो चुका है, अब मैं वापस आ रहा हूँ। लाइक दिस मैं सब लोग दिखाता हूँ कि मैंने दिखाना चाहता था मेरा चैंटिंग सिस्टम। और हाँ तुम्हें किसको ट्रैप करना है ना,
एक बहुत इजी क्वेश्चन है, चार्टमेंट टेबल को ये बनाओ हाँ, और प्लेयर को यहाँ ले, नीचे पूरा एक गड्ढा बना दो हाँ, ऐसा पूरा मान लो गड्ढा है, मान लो उसके अंदर गड्ढा है, प्लेयर को पता नहीं है यहाँ क्या है, किसी को कुछ नहीं पता ना कि हाँ इसके अंदर भी कुछ है, तो बहुत जल्दी ऐसे करके ना तोड़ सकते हैं, बस उनका एफिशिएंसी लगेगा। तुम्हें एक अपने साथ भी ऐसे ऐसे करके ना पूरा जहाँ वो प्लेयर खड़ा है उसको भी बोल रहा है, तो वो कैसे भी करके कन्वेंस करना वहाँ तक खड़े होने को, पूरा बुक शेल्फ तोड़ देना एफिशिएंसी 5 के साथ, तो गिर जाएगा नीचे, और नीचे में रखना वो मैं की करता था, एकदम एकदम ऊपर में तुमको जब स्कैन करना है, मतलब एकदम ऊपर मैं यही कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे ही तो यही प्लेस में ट्रिप स्टोन होना चाहिए पूरा यही, अब ना बगल में ऑक्सीजन केज होना चाहिए, केज ना कर वो आपको बस ऐसे लॉक नहीं करना, ड्रिप स्टोन लगा ना हाँ, अच्छे होते हैं ना, हो गया था वो अपना मस्त ब्लॉक करके आ रहे हैं कि आ रहा हूँ लिखते हैं मार लो, ड्रिप स्टोन है गया था। ये सारे थे मेरे टेक्निक जो मैं पीवीपी में यूज़ करता हूँ, और कुछ यूट्यूबर्स मेरी सारी टेक्निक यूज करते हैं, पता है मैं उनसे थोड़ा इंस्पायर होकर अपनी अपनी टेक्निक बनाऊँ, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए मैं करता हूँ ये वीडियो को यहीं पे एंड, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि अगर तुम्हें जल्दी वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अरे यार शॉर्ट तब तक ले।